हाय एवरीवन, दिस इज़ मी हबीबा शबी। आज हम पढ़ेंगे C++ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसको C++ में कैसे यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो इसे इग्नोर करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम इफ कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट। अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम इफ के बाद कंडीशन लगाएंगे और स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड सो ऑन, स्टेटमेंट एन तक कंडीशन लगा के चेक करेंगे। उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशनल कोड में आ जाएगा, और अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जिट हो जाएगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम इसका हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद सीन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एन। इसमें हम कोई सा भी नंबर, सीन जो है वो यूजर एंटर करेगा नंबर। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इफ की, एन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद ब्रैकेट कर्ली क्लोज एंड ओपन, सी आउट करवा देंगे, सी आउट नंबर इज इवन, इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। हम जो भी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे उसको हमेशा डबल कोट में लिखेंगे। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और एंडल। अब हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो ये डिटरमिन कर रहा है नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, किसी भी नाम से हम सेव कर लेंगे। रन करेंगे तो हम सिक्स नंबर एंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा नंबर इज इवन। उसके बाद हम देखते हैं C++ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने अभी तक ये देखा है कि हमने कंडीशंस को ट्रू किया या फॉल्स। ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट में जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो वो एल्स स्टेटमेंट में जाएगा। सपोज अगर मेरे पास थ्री कंडीशंस हैं, ग्रेड मार्क्स का बताना है, तो अगर 80 से ज़्यादा है तो वो ग्रेड ए में होंगे, और अगर 50 से ज़्यादा है तो वो पास है, और अगर ग्रेड बी है तो वो कैब वो हम फेल कर देंगे अगर 30 से कम है तो। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसमें कंडीशंस एक होती है लेकिन बट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो दो आ जाती है। एक जो है वो एक कंडीशन सेट का आ जाता है, और दूसरा जो है वो एल्स स्टेटमेंट का आ जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंडीशन ब्लॉक वाला वो चल जाएगा, और दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में एक ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट होगा और दूसरा जो है वो स्किप हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें मेरे पास सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स में हम कंडीशन इफ के साथ, इफ जब भी आएगा उसके साथ लाजमी कंडीशन आएगी। इफ के बाद कंडीशन लगाएंगे और फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद हम एल्स स्टेटमेंट। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो वो एल्स में जाके उसको स्किप कर देगा। अगर हमने एक से ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम इफ के बाद कंडीशन लगाएंगे और स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड सो ऑन, स्टेटमेंट एन। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो वो एल्स में आके स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो कोड में चले जाएगी, अगर तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर तो वो कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स कोड में आ जाएगी, और एल्स कोड के बाद वो क्या हो जाएगी, स्किप। अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड आईएल स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं इंट एन, सी आउट डबल कोट्स में एंटर नंबर। जब हमने मैसेज को डिस्प्ले करवाना है तो वो
डबल कोट्स में लिखेंगे, एंटर द नंबर, उसके बाद सीन, यूजर जो है वो नंबर को एंटर करेगा, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली हमने जो पहले एग्जांपल की है इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, अब ये स्टेट ये एग्जांपल भी वही है, इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट पर यूज़ करेंगे। इफ इफ के बाद क्या है, एन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद सी आउट डबल कोट्स, नंबर इज इवन, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। एल्स अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या आ जाएगा, सी आउट नंबर इज ऑड, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। इसको रन करते हैं। अब मैं नंबर एंटर करती हूँ 4, तो वो मुझे बता देगा नंबर इज इवन। ठीक, अगर मैं नंबर एंटर करती हूँ ऑड नंबर 7, तो वो मुझे बता देगा नंबर इज ऑड। इस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है अगर हमारे पास मल्टीपल, तो एक कंडीशन तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी, तो दूसरी जो कंडीशन वो स्किप हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अब उसके बाद हम एक और इसकी इफ एल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल करते हैं। मेरे पास स्टूडेंट है, उस पे अगर तो स्टूडेंट उसको मैंने ये डिटरमिन करना है कि अगर तो मार्क्स जो है वो लेस देन 50 है तो उसको मैं डिक्लेयर करूंगी फेल, और अगर तो मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 50 है तो मैं उसमें 15% मार्क्स को ऐड करूंगी। फ्लोट मार्क्स, इसमें मैं जो मार्क्स ले रही हूँ वेरिएबल वो फ्लोट ले रही हूँ, फ्लोट मार्क्स सेमी कॉलन, उसके बाद सी आउट एंटर मार्क्स, सी इन मार्क्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। अब हम कंडीशन लगा देंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन 50 है तो क्या करेंगे हम, इसमें 15% जो है वो ऐड कर देंगे। अगर तो मार्क्स लेस देन 50 से तो वो फेल कंसीडर करेंगे। सी आउट फेल, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। एल्स अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स कंडीशन में आ जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस ब्रैकेट मार्क्स मल्टीप्लाई 15.0 और डिवाइडेड बाय 100.0, उसके बाद क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन, फिर हम प्रिंट करवा लेंगे सी आउट टोटल मार्क्स, उसके बाद ब्रैकेट, फिर हम सी आउट एंटर लगा देंगे, एंटर के बाद सेमी कॉलन और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। सी आउट फ्लोट मार्क्स एंटर मार्क्स सीन मार्क्स, इफ मार्क्स लेस देन 50 सी आउट फेल, एल्स मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस मार्क्स में 15% ऐड कर देंगे और सी आउट टोटल मार्क्स आर दिस, इसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट और फिर हम उसको रन कर देंगे। अब देखिए अगर मैं मार्क्स एंटर करती हूँ 40 मार्क्स एंटर करती हूँ तो वो फेल कंसीडर होगा। अब देखें इधर, जब मैं 40 लेस देन 50 होगा
तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमने ये हमारी स्टेटमेंट थी कि अगर वो 50 से कम हो गए तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा, अगर मार्क्स जो वो 50 से अबव होगा तो हम उस पर 15% ऐड करेंगे। तो ये कंडीशन इफ में जब हम लोगों ने इंसर्ट किया तो ये कंडीशन तो हमारी फेल हो गई, तो वो सी आउट में हमें फेल मिल गया। अगर तो ये कंडीशन फेल है तो वो एल्स में आ जाएगा। अब मैं 50 से अबव वैल्यू को एंटर करके देखती हूँ, 60, तो टोटल मार्क्स आर 69 किस तरह आए कि टोटल मार्क्स, अब ये इधर कंडीशन चेक होगी तो वो 50 से अबव है 60, तो इधर क्या होगा मार्क्स इस तरह होगा 60 प्लस ब्रैकेट में 60 मल्टीपल 15 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये इस तरह कैलकुलेशन हो गया, हमारे पास 69 है, टोटल मार्क्स हमें डिस्प्ले हो गए 69। आई होप आपको ये इफेक्ट स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। हमने तकरीबन इसकी दो एग्जांपल से समझ लिया इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो इसमें से किसी एक को चूज करना है, तो हम इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या है कि इफ के बाद क्या है कंडीशन आ जाएगी और फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। इफ जिसके साथ भी आएगा इसके साथ कंडीशन लाजमी है कि जो भी कंडीशन ट्रू मिलेगी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो एल्स स्टेटमेंट में आके वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या करना है, हमारे पास 3 इनपुट इंटीजर नंबर है, उसमें डिटरमिन ये करना है नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो है। सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे, उसके बाद में एक नंबर लेते हैं इंट एन, उसके बाद क्या है सेमी कॉलन और सी आउट एंटर आ नंबर सी इन नंबर एन और उसके बाद क्या आ जाएगा सेमी कॉलन। अब मैं कंडीशन लगाऊंगी इफ एन ग्रेटर देन जीरो, अगर तो एन ग्रेटर होगा जीरो से तो वो क्या मुझे आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा पॉजिटिव नंबर सी आउट पॉजिटिव नंबर। उसके बाद क्या लिख दूंगी इंसर्शन ऑपरेटर के बाद एंडल एल्स इफ इफ एन लेस देन जीरो होगा तो वो सी आउट में क्या डिस्प्ले कर देगा नंबर इज नेगेटिव। इसमें हमारे पास 3 नंबर है और मैंने उन 3 नंबर में से ये डिटरमिन करना है कि मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या फिर जीरो नंबर है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, एक दफा इसको चेक कर लेते हैं कोई मिसिंग तो नहीं है चीज, इट्स नेगेटिव नंबर इज ओके। अब हम इसको रन करते हैं, फोर नंबर को एंटर करती हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर को एंटर करती हूँ माइनस 5 तो वो मुझे मैसेज डिस्प्ले कर देगा नंबर इज नेगेटिव, एल्स नहीं तो नंबर इज जीरो। अब ये देखें हमारे पास 3 तरह के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट थी बट हम चूज एक ही हुआ है, ये या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव नंबर या फिर जीरो, यानी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी जो है वो स्किप हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं सी प्लस प्लस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जब आप इस स्टेटमेंट के अंदर एक और इस स्टेटमेंट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी नेस्टेड लूप। ठीक है, जिस स्टेटमेंट के अंदर आप इफ स्टेटमेंट लगाएंगे उसको आउटर स्टेटमेंट कहते हैं।
अगर इफ स्टेटमेंट किसी स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, इन द स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं, इफ इफ के बाद क्या है कंडीशन, ये हमारी क्या है आउटर लूप, और फिर ये इनर लूप क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट एल्स, और ये भी क्या है इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ये हमारी इनर लूप है। अगर ये आउटर लूप ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो वो इनर लूप में आ जाएगा और इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इनर लूप भी फॉल्स वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो फिर आउटर लूप में आ जाएगा और आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी और इनर लूप स्किप हो जाएगी। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। मैं इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप के तीन वेरिएबल्स लेती हूँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी और सेमीकॉलन। उसके बाद सी आउट, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, एंटर थ्री नंबर। Enter three numbers, उसके बाद क्या आ जाएगा semicolon, cin, extraction operator a, extraction operator b and extraction operator c or at the end semicolon। इसके बाद हम condition लगाएंगे, if a greater है b से, ये क्या हमारी outer loop। उसके बाद हम inner loop लगाएंगे, if ए ग्रेटर है सी से तो क्या आउटपुट में आ जाएगी, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ए इज द लार्जेस्ट नंबर, इसके बाद ब्रैकेट वन, else bracket open, if पहले हमने कंडीशन लगाई थी ए को बी के साथ चेक किया था और ए को सी के साथ, अब मैं चेक करूंगी बी को सी के साथ, if बी ग्रेटर सी से bracket open सी out बी is the largest number, and insertion operator b or endl। उसके बाद यह आ जाएगा bracket close, bracket close else bracket open c out C is the, अगर B largest number नहीं है तो C largest number होगा, C is the largest number, insertion operator C और insertion operator end। उसके बाद brackets बंद और return जीरो और उसके बाद सेमीकॉलन आ जाएगा। हम इसको रन एंड एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये देखें, अब मैंने थ्री नंबर्स एंटर करने हैं, कोई से भी, नाइन सिक्स और फोर। ए इज द लार्जेस्ट नंबर, जो क्या है इनमें वैल्यू पड़ी हुई है नाइन, नाइन क्या है, नाइन इज द लार्जेस्ट नंबर। पहले मैंने इसमें क्या किया है कि थ्री डाटा टाइप लिए हैं, इंटीजर डाटा टाइप के थ्री वेरिएबल्स लिए हैं, फिर उसमें थ्री नंबर्स एंटर किए ए बी और सी। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई, ए को बी के साथ चेक किया, फिर ए को सी के साथ चेक किया कि अगर तो ए ग्रेटर है बी से तो वो मुझे लार्जेस्ट नंबर शो करवा दे, नहीं तो वो सी इज द लार्जेस्ट नंबर होगा। फिर मैं कंडीशन लगाती हूँ कि अगर तो वो बी ग्रेटर है सी से तो वो बी लार्जेस्ट नंबर शो करवा दे,
एल्स वो सी लार्जेस्ट नंबर शो करवा दे। तो अभी हमने इनपुट नंबर दिया, उसमें हमें उसने लार्जेस्ट वैल्यू को बता दी। आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे।